हाय गाइस, मैं कृतिका। कल मतलब आज जब वीडियो देख रहा हूँ, मदर्स डे है। सो मैंने सोचा मैं मम्मा को मेकओवर देती हूँ। मम्मा को पता नहीं है मैं क्या करने वाली हूँ। मैं आपका मेकओवर करने वाली हूँ, मेकअप, आउटफिट और हेयर सब कुछ सारा। तो मैंने अपने आप निकाला। मैंने आपको बोला था ये आउटफिट निकाल के रखना, कितनी गंदी है। मैं मम्मा को स्टाइल करूंगी, मम्मा का मेकअप करूंगी एंड हेयर करूंगी एंड देन मैं मम्मा को मेरी लुक दूंगी, ठीक है? मेरा क्लासिक, मेरी जो क्लासिक मेकअप लुक और मेरा जो स्टाइल है ना, वो मैं आप पे पूरा करूंगी और सेम मैं पहनूंगी एंड देन वेट फॉर द रिजल्ट्स। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दिस इज माय मेकअप। आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। मैं आपसे बीच में एक दो क्वेश्चन भी पूछूंगी, ठीक है? क्या ऐसी फन क्वेश्चंस? क्या आपको कैसा लग रहा है? मैं आपका मेकअप कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना आपको। मैं को सीखने को मिल रहा है, कुछ नहीं सीखने को मिल रहा है। मेकअप मुझे क्यों लग रहा है कम? अरे हम कम में भी ब्यूटी नहीं कराएगी। हार तो सही। अम्मा इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से आया आपको? मेरे को क्यों नहीं दिया आपने? तुम लो ना, तुम लेते ही नहीं हो। तुम तो लोगों के बेकार बेकार मैसेज में टेंशन लेते हो। आप आके ना जरा थोड़ा दिन ऑनलाइन रहो, पता लगेगा आपको। पता लगेगा, मैं उनको जवाब दे दूंगी अच्छे खासे। जिसको कुछ पता होता नहीं है और वो बोलते रहते हैं, तो कम से कम उनको नॉलेज होनी चाहिए ना कि दूसरे के ऊपर क्या बीती हुई है। तो चलो इसी से फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको कैसा लगता है जब ऐसे मुझे हेट आता है कभी? वैसे टच हो, मेरी ऑडियंस फिर भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है आपकी ऑडियंस, लेकिन कुछ लोग हैं जो कुछ अच्छे लोगों के साथ कुछ हेटर भी मिले होते हैं। जब कोई एक सीढ़ी चढ़ता है ना, जो नीचे होते हैं ना, तो दुश्मन भी उतने ही होते हैं। तो उन दुश्मनों से घबराना नहीं चाहिए, वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि वो ऊपर खुद तो चढ़ नहीं सकते। हाँ। तो दूसरों को नीचे गिरते हैं, और तुमने गिरना क्यों? तुम इतनी मुश्किल से ऊपर चढ़े हो, उनमें इतने गट्स हैं तो ऊपर चढ़े। सही बात है। मैं मम्मा से क्वेश्चन पूछी थी कि मम्मा क्या बनना चाहती थी। क्या नाम था उसका? किरण बेदी है ना, वो पुलिस में थी। हाँ, मैं वो बनना चाहती थी। मैं बनना चाहती थी। क्या नाम था? नहीं, वो मैंने सोचा एक पूजा बेदी है ना, उसको मिक्स कर रही हूँ। आप क्यों बनना चाहते थे? पता है क्या, मैं ना सारी लड़कियों को ये दिखाना चाहती थी कि लड़कियां कम नहीं होती है किसी से। और मुझे मतलब कि बड़ा वो था इंस्पेक्टर बनने का, वो बनने का, कि मैं किरण बेदी की तरह बनूं। किरण बेदी बहुत वो थी। हाँ। तो मैं वो बनना चाहती थी, लेकिन तब मेरे पेरेंट्स ने, तब मेरी शादी हो गई। आपने क्यों करी? क्यों करी? पेरेंट्स ने करवा दी, कर ली। फिर उसके बाद तुम लोग हो गए, फिर मेरे सारे अरमान अंदर रह गए। लेकिन मैं कहती हूँ बच्चों को, लड़कियों को, कुछ ना कुछ ऐसा अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। कुछ नहीं होता मम्मा, सॉरी आपकी बेटी भी नहीं बन पाई है तो बहुत वो हूँ। लेकिन मेरे को बड़ी खुशी है जो जहाँ पर तू है, और इस टाइम तभी तो तेरे इतने हेटर है अपना ऐसे मतलब की टांगे खींचते है ना सच में। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कैसे स्टेज से गुजरे हैं, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चढ़े हैं और कितनी मेहनत करी है। मैं कोई नहीं, मैं ज्यादा भाग रहा हूं, मैं नहीं ये मेरे को सच में। अब एक ऐसा मोमेंट बताओ जब आपको पता लगा कहा कि मैं बड़ी हो गई, या मतलब मैं बच्ची नहीं रही और आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाए हो। पहले जब तू छोटी थी ना, अपने आप में उसमें रहती थी, बस लैपटॉप पे लगे रहना, ये सब मुझे क्या पता था। उस टाइम तू ये सब देख रही है और अपने आगे की सीढ़ियां चढ़ने के लिए तैयारी कर रही है, सीमेंट इकट्ठा कर रही है। और इस टाइम पे आके मैं तब मतलब कि तेरे से कनेक्ट हो पाई जब तू थोड़ी सी यंग हो गई। तब तूने थोड़ी बहुत बातें मेरे से शेयर करना, या तेरे को मेरे पे फेथ हुआ कि हाँ कि मैं मम्मा से शेयर करूँ। तेरे को मेरे से कुछ अच्छी चीज ही सुनने को मिलती थी कि हाँ, तेरा उसमें से क्वेश्चन का आंसर निकल आता था। तो तब मेरे को जाके लगा कि भी हाँ, अब तू बड़ी हो गई है, अपने फैसले ले। बट पहले आप बहुत स्ट्रिक्ट थे, आप और पापा थी तब तक, जब तक हमें पता था कि तुम्हें जब तक संभाल के रखना। ठीक है, तो मैंने अभी मम्मा का कंसीलर लगा दिया है। आई यूज एलए गर्ल प्रो कंसीलर एंड जो मम्मा का है। हाँ, मम्मा का है। और मैंने मम्मा फाउंडेशन भी यूज कर लिया है। मैं यूजुअली ना मेकअप मम्मा अपना ऐसे बहुत लाइट रखती हूँ। मैंने भी लाइट करती हूँ, बहुत न्यूड। अच्छा। मेरे को नहीं हाई, एकदम हैवी मेकअप अच्छा लगता है। चलो, नेचुरल ब्यूटी है, ऊपर से हल्का सा बस उसको टच दे दो। और क्या चाहिए? आप अपनी उसके हिसाब से क्या एडवाइस देना चाहोगे? हाँ, आप बच्चों को जो आपको लगता है कि आज शिट मैंने ये चीज मिस कर दी, या फिर मैं ये लेसन आपने कोई क्या सीखा है इस एज में आके?
मैं बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि पहले तुम अपना इंटरेस्ट देखो, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। कभी ये मत देखो कि वो ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँ। पहले आप अपना इंटरेस्ट देखो। ये चीज मैंने कृतिका में नोट करी, मैं इसको आर्किटेक्ट बनाना चाहती थी, तो ठीक है इसको साइंस भी लाई सब कुछ। जब तक जैसे तुम डिसीजन लेने लायक तब नहीं थे, तब मेरा डिसीजन था कि मैं आर्किटेक्ट बना दूं, साइंस ले ये वो। लेकिन फिर जब तूने अपना डिसीजन लिया तो उसमें मैंने उल्टा तेरा साथ ही दिया कि नहीं जो तूने करना है तू कर। तो बच्चों को ना, मैं जहाँ तक तेरे को देख के अभी तक इस एज में पहुंची हूँ कि तूने अपना डिसीजन खुद लिया, तेरे को बता मैंने क्या करना, बत बता मुझे बोलने दो। कभी कभी ऐसा होता नहीं अम्मा, कहीं चुप सी जगह पे बैठे हो तो मन करता चिल्ला दो यहाँ पर, तो क्या हो तो ऐसे भी होता। तो अभी मैं मेकअप कर रही हूं, मैं काम तो बच्चों को ना अपना एक डिसीजन खुद लेना होता है और पेरेंट्स को उसका साथ देना होता है, तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि तुमने आज ये सोचा और साल में तुम बन जाओ। कई बार कितने कितने टाइम लग जाता है, अब तेरे को भी 6 साल हो गए। जो आपकी एक वो होती है ना कि अंदर की सोच कि तुम्हें ये चाहिए, आप खोल सकते हो, तो वो भगवान जरूर तुम्हें उस चीज से मिला देता है। तो मेरा था कि मैंने पहले डाइटिशियन ज्वाइन कर करके अपने आप को मेंटेन रखा, अपने आप को सब वो करा सब। लेकिन ना मेरा एक था कि मैं जब इस फेज पे आऊँ ना 50 पे, तो उस टाइम जैसे मेनोपॉज जैसी आती हैं, कंडीशन आती हैं, ये आती हैं, उसमें मुझे पता था कि प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस टाइम ना मेरा अंदर से था कि मैं कुछ ऐसा ज्वाइन करूँ कि जो लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं कि उसमें हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ये सब, उसमें लगाने से अच्छा ना मेरे को, टच वुड, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे भगवान ने ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से मिला दिया। सच में कसम खा के कह रही हूँ, तेरी कसम, मुझे लग नहीं रहा कि मैं 50 पार कर रही हूँ। आप ऐसे भी नहीं लगते, आपको सब बोलते तो नहीं। नहीं मेरा ना वो पेन वगैरह, नी पेन वगैरह सब शुरू हो गया था। हाँ, मतलब बाहर से चाहे जैसे भी लगो, ये इफेक्ट तो आते हैं, एज इफेक्ट तो आता ही है। तो लेकिन जब से मैंने ये ज्वाइन किया है ना, उसके बाद मुझे अपनी बॉडी में काफी चेंजेस नजर आए, जिसको देख के तेरे पापा ने भी ज्वाइन कर लिया ना। मैंने अपनी माँ से एक चीज सीखी, हर चीज को लेट गो करो और किसी का बुरा मत करो, और तुम्हारा कभी बुरा हो ही नहीं सकता। नानी बहुत ही अच्छी थी। वो ही चीज मैंने अपने बच्चों को सिखाई है, किसी के लिए बुरा मत करो। स्वीट थी और इतनी सुंदर थी ना नानी, नेचुरली इतनी प्रीटी थी। मैं सब बच्चों को ये दो बातें बोलूंगी, कभी किसी का बुरा मत सोचो और बुरा मत करो और किसी को हर्ट मत करो। तुम्हारा कभी भगवान बुरा होने कैसे पता लगा तेरे को मम्मा है? पता चल गया था, इतना बेवकूफ सुनो। अच्छा कितनी बार तो मैंने बनाया हुआ है पहले तो कितनी बार, और मैंने वीडियो कॉल की थी, फेस टाइम किया था। ये मम्मा बहाने मत मारो, ये एक ही है। ये जब तेरे से पूछूंगी कि तेरे दोनों बच्चों में से मैं दो नहीं करूंगी। चले फिर तो तेरा आंसर भी नहीं है। और क्या, मेरे को तो एक ही है दोनों। पता है क्यों? मैं उसकी वजह भी बताती हूँ। तू थोड़ी सी इमोशनल है, तेरे को कोई कुछ कहता है तू रोने बैठ जाती है। तेरे को सिखाओ तो फिर मुझे गुस्सा आता है कि तू क्यों लोगों की बातों को दिल पे लगाती है। ठीक है, दीक्षा थोड़ी प्रैक्टिकल है, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको देख के फिर मुझे खुशी होती है। मैं ऐसे ही चाहती थी कि बच्चा इतना बोल्ड हो, जो मैं तुझे बनाती रह गई तू बस उसी में ही रह गई, इतने से दिल में ही। कुंवारे होते भी था मैं पास ये, अनमैरिड थी, आज से 32 साल पहले की बात बता रही हूँ। तुम तो अब सीखे हो ये चीजें, मुझे तो शुरू से ही आती थी। आप बिना देखे भी लिपस्टिक लगा लेते थे ना पहले, अभी भी लगा लेती है। I'm gonna do your hair now. और पता है मैं ये सोचूं, जब पहली बार जब तू मेरे से कोई बिठाती थी कि मम्मा आ जाओ इधर बैठो ये बात करती थी, तो मैं कितना शर्माती थी ना। आप इस साल बेटर हो गया, पिछले साल आया सारे बच्चों को ये बात पता चल कि कई बच्चे बड़े गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। मम्मा बस ये इतना लंबा नहीं खींच सकते। नहीं नहीं मुझे पता है ना, तुम फिर दिल को लगा लेती है। बच्चों इसको समझाओ, पता नहीं कैसे दिल के होते हैं, चलो भगवान उनका भी भला करे। See me.
देखे एक बार रुको बच्चा मेकअप करके मेरा हाथ तोड़ दिया गाइस मम्मा इज गोइंग टू चेंज हीरा मम्मा का टॉप और हीरा जूली मैं मम्मा को बिल्कुल अपनी तरह रेडी कर रही हूं क्लीन दिस इज माय फ्यूजन गो टू स्टाइल सो मम्मा अब जाओ चेंज करके आओ ओके गाइस आई हैव चेंज्ड मैंने वाइट शर्ट डाल लिया एज यू गाइस कैन सी एंड इफ यू नो मी यू नो आई लव सिल्वर ज्वेलरी एंड मैंने मम्मा को भी वही पहनाई है मम्मा को बोला कम इन अ बिट मम्मा आओ मेरे लिए भी सरप्राइज होगा ना आओ अभी भी ढीला बन अब आंखें खोलो मम्मा सच्ची तुम ट्विंस लग रहे हैं सच में देखो हाँ देख ली शक्ल लग रही है बस पापा को बुला के पापा आंखें बंद करो आंखें बंद करके आ गए हो नीचे बैठो इधर आओ इधर अरे नहीं नहीं इधर बैठो सोफे पे पीछे बैठो अरे हम कहीं नहीं बिठा रहे आपको अब आंखें खोलो कहाँ गए हम अब बताओ आपकी बेटी कौन सी है दोनों सेम सेम क्यों लग रहे हैं चलो पता लग गया मैंने मदर्स डे के लिए मम्मा को ट्रांसफॉर्म करा है लग रहे सेम हम एक जैसे तुझे भी दे दो नेक पीस गाइस तीनों में से ऑब्वियसली सबसे सुंदर मैं लग रही हूं देखो विदाउट मेकअप मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगा रखी है मेरा भी मेकअप नहीं है कुछ बस हल्का सा ओके अरे मेरा मेकअप नहीं है वो टचअप करा के लिया आधे घंटे से मैं लगी हुई है ये टचअप होता तो पता नहीं क्या होता है जय मोहो की बोलो जय मोहो Hope you guys enjoyed the video. If you did, don't forget to like, share, comment, and subscribe.